हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डीवा कंचन। मैं आपकी दोस्त और होस्ट कंचन आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूं। और इस वीडियो में मैं एक बार फिर से रस्ट ऑरेंज से मैंने जो शॉपिंग की थी उसके रिव्यू करने वाली हूं। तो मैं देखना चाहती थी जैसा मेरा फर्स्ट टाइम में जो एक्सपीरियंस रहा वैसा ही सेकेंड टाइम रहता है या कुछ चेंज आता है। कई बार होता है कि एक ही साइट से हम फर्स्ट टाइम पे शॉपिंग करते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा जाता है और नेक्स्ट टाइम उसी साइट से शॉपिंग करते हुए हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा बेकार थी। मैंने सोचा था अगर मुझे वो अच्छी लगेंगी तो फिर मैं अगेन दो और ऑर्डर कर लूंगी। तो मुझे चारों ही डिजाइन बहुत अच्छे लगे थे सेम टाइम पे, बट मैंने इनको जो ऑर्डर किया है वो थोड़ा डिस्टेंस पे किया था। देखते हैं अभी जो मैंने आप जो शॉपिंग की है रेस्टोरेंट से वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। गाइज, एक्चुअली ये है तो दो ही ड्रेसेस, बट मैंने इन दो ड्रेसेस से टोटल फोर लुक्स क्रिएट किए हैं और वो टोटल जो फोर लुक्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, दिखाऊंगी मैंने कैसे क्रिएट किए हैं। दिस वन इज फर्स्ट आउटफिट मरून बूटा प्रिंटेड पेपलम शरारा सेट विद गोटा डिटेल्स। गाइज, इस ड्रेस के जो भी निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैं वो सभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका जो स्टफ है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर समर्स और काफ़ी लाइट वेट है। आप इस तरीके की ड्रेसेस समर्स की पार्टीज़ वगैरह के लिए या अभी जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है तो इसके लिए ये परफेक्ट है। और गाइज, इस तरीके की जो पेपलम कुर्तीज़ होती हैं ये जो जिनका थोड़ा टमी होता है उनके लिए परफेक्ट है, उसमें थोड़ा जो उनका टमी होता है छिप जाता है, इसलिए इस तरीके की ड्रेसेस जो थोड़े फैटी लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी सही हैं। गाइज, इस ड्रेस में मैं दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रही। फर्स्ट, ये जो इसका शरारा है उस पर जो बूटा प्रिंट्स दे रखा है ये आफ्टर वॉश थोड़ा सा डल हो जाएगा, इसमें कुछ शाइनिंग पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे। तो जो इसका प्रिंट है इसमें जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये शायद मे भी इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अभी मैंने इसको एक बार ही वॉश किया है उसमें ही काफ़ी ज़्यादा निकला है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और गाइज, इसका जो शेड है ना वो आपको इतना ब्राइट इस पर दिख रहा है स्क्रीन पे, बट ये थोड़ा डस्टी शेड है। अगर ये बिल्कुल आपको जैसा दिख रहा है ना ऐसा ही होता तो ये बहुत सुंदर मतलब आउटफिट लगता। तो इस प्राइस रेट पे मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा लगा, अंडर 1000 या फिर 800 समथिंग कुछ होता तो ठीक था, बट मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा ये। दिस वन इज सेकेंड ब्लैक गोल्ड प्रिंटेड कुर्ता विद मरून स्कर्ट एंड टेसल्स। गाइज, इसमें भी जो स्कर्ट का शेड है वो डस्टी मरून है, इतना ब्राइट नहीं है तो ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। और इसकी जो कुर्ती है इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है, चिकना वाला है और मैंने सोचा था काफ़ी अच्छा होगा देखने में, जो पिक में मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वैसा नहीं निकला, तो दैट्स वाई मुझे ये भी कुछ खास नहीं लगा। और प्राइस रेट की बात करें तो 1250 में मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा। ड्रेस में कुर्ती से ज़्यादा स्कर्ट का जो मटेरियल है वो अच्छा है गाइज, और जो इसका प्रिंट है वो मुझे अच्छा लगा, गोल्डन प्रिंट है, फेस्टिव सीजन के लिए इस तरीके के जो प्रिंट्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो इसकी स्कर्ट है ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है, बस इसका अगर शेड ऐसा ही होता तो बहुत अच्छी लगती है, बाकी कुर्ती इज़ ओके ओके, इट वाज नॉट गुड, बट अब ले लिया है तो स्टाइलिंग तो करनी है। ये
वापस तो जा नहीं सकता। एक्चुअली रिटर्न पॉलिसी इसमें थी नहीं, जब मैंने लिया था तभी देख लिया था, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने से, तो मैंने सोचा था फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा गया है तो सेकंड भी अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। बट अभी कुछ नहीं हो सकता तो मुझे स्टाइलिंग करनी है इसके साथ में, इसलिए मैंने सोचा इन दोनों ही ड्रेसेस को आपस में मिक्स एंड मैच करके भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ, तो ठीक है रख लेती हूँ। अभी आप देखेंगे इन्हीं जो दो ड्रेसेस के साथ को मैं, जो दो ड्रेसेस हैं इनको मैंने आपस में मिक्स एंड मैच करके कैसे अपने लुक्स हैं वो क्रिएट किए हैं। देखिए अभी जो मैंने स्कर्ट ब्लैक कुर्ती के साथ में वेयर की हुई थी, उसी स्कर्ट को मैंने फर्स्ट वाली पेपलम कुर्ती के साथ में रीस्टाइल किया है, और ये एक मोनोक्रोमेटिक लुक है। इस तरीके के लुक्स काफ़ी क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैंने बताया था कि उसकी मुझे पेपलम कुर्ती बहुत अच्छी लगी थी और इसका मुझे स्कर्ट का जो मटेरियल है वो अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो ड्रेस मैंने बनाई है तो ये काफ़ी सही लगी मुझे। गाइज ये रिव्यू हॉल वीडियो मैंने बनाया था, बट मैंने सोचा जब इतना कर रही हूँ तो जो भी मैं अपनी ड्रेसेस के साथ में लुक्स क्रिएट करूँगी आगे, तो वो सारे लुक्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। क्या पता कुछ लोगों की इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए, आप लोगों को कुछ देख के कुछ आइडियाज़ मिल जाएं कि हाँ आपके पास भी अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग कैसे मिक्स एंड मैच करके आपस में ड्रेसेस हैं जो कुछ अच्छे अच्छे लुक्स उनसे अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। फेस्टिव सीज़न आ रहा है और COVID-19 की वजह से हम लोग शॉपिंग वगैरह भी इतना नहीं कर पा रहे हैं, जो भी ये ऑनलाइन ही करना है, तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम आपस में मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से जो लुक्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये जो लुक क्रिएट किया है वो फॉर आप दिवाली पे भी इस तरीके के जो लुक्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मोनोक्रोमेटिक लुक्स। अभी दिवाली है, गणेश चतुर्थी है और करवा चौथ है, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, तो उसमें आप इस तरीके से देखिए गाइज ये वो स्कर्ट है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप जब भी ये स्कर्ट वियर करें तो इसके साथ में अंदर इस तरीके की जो खड़े कपड़े की स्कर्ट्स होती हैं वो अंदर अगर पहन लेंगे तो उससे आपका जो लुक है वो थोड़ा फ्लफी स्कर्ट का हो जाएगा और ओवरऑल लुक आपका काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब ये देखिए सेकेंड जो लुक है मैंने क्रिएट किया है, तो इसमें जो मैंने स्कर्ट के साथ में जो कुर्ती थी वो और जो फर्स्ट वाला जो मेरा आउटफिट था उसका जो शरारा है उसको आपस में मिक्स एंड मैच करके पहना है। तो आप लोगों को भी पता है मरून या रेड एंड ब्लैक और मरून और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम हिट कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लगता है और दोनों में ही गोल्डन प्रिंट है तो काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को, इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और इसके साथ मैंने झुमकियाँ पहनी हैं अपनी और गोल्डन कलर का क्लच लिया है, साथ में मैंने ऊपर ब्लैक जो कुर्ती पहनी है उसको मैच करने के लिए अपने फुटवेयर्स भी जो हैं वो ब्लैक ही रखे हैं, तो इस लुक को कंप्लीट किया है मैंने अपनी हील्स के साथ में। मुझे ये भी दोनों ही लुक्स बहुत अच्छे लगे। आप लोगों को ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइज अगर आप लोग में से कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी रिक्वेस्ट पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है मिसेस कंचन। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपने आज का मेरा ये वीडियो बहुत इंजॉय किया हो, अगर इंजॉय किया है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।